बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे अदरक का कावा, इसमें लहसुन भी जाएगा। ये सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद है, सर्दी जुकाम नज़ला खांसी बुखार ये सारी चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं लहसुन और अदरक का कावा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक को स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। लेमन को काट कर इसमें से बीज निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 ग्लास जो है वो पानी लिया है, इसमें अदरक डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और लहसुन। बिस्मिल्लाह। और देगची को चढ़ा देंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे इसे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अदरक का कावा जो है बड़ी ही आसानी से बन जाता है, इसके बेशुमार फायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं उबालते हुए, तो कावा जो है वो तैयार है। अच्छी तरह पकाना है कावे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे एक कप में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कावे में थोड़ा सा नींबू जो है वो निचोड़ेंगे। ये कावा जो है पतला होने में भी मदद देता है। और अब हम इसमें शहद डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। एक तो शहद डालने से मज़ा जो है वो बढ़ जाएगा और शहद के अपने फ़वाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अदरक का कावा जो है वो बिल्कुल तैयार है। सर्दियों में सर्दी लगी हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो आप ज़रूर ये बनाएं। और वैसे भी हफ्ते में एक बार दो बार ज़रूर बना कर पिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो नए हैं चैनल पे वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उन सबको शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।